हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ घर का जो हम पनीर बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली और इजीली कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, उसके लिए हमें लेना है फुल क्रीम दूध। टोंड मिल्क नहीं लेंगे, फुल क्रीम दूध लेंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो बढ़िया बने, रिच बने। अब मैं दूध का पैकेट जो है वो भगोने में खाली कर रही हूँ और इसके बाद इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, ये शूट जो अभी लास्ट संडे गया है ना, ये उस दिन की सुबह का शूट है। नाश्ता वगैरह जब मैंने बनाया था उस टाइम पे मैं ये पनीर बना रही थी, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की, केवल ये ही क्लिपिंग जो है पनीर बनाने वाली शूट की थी और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब दूध जो है वो बॉईल हो चुका और गैस मैंने बंद कर दी। थोड़ा सा टेम्परेचर अब इसका हल्का सा धीमा होने देंगे। यहाँ पर दूध फाड़ने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर का। आप चाहें तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास लेमन नहीं था तो मैं सिरके का ही यूज़ कर रही हूँ। दोनों से ही इक्वली फट जाता है, एक जैसा ही प्रोसेस है, एक जैसी ही क्वांटिटी लगभग पड़ती है। अब इसमें मैंने दो जो हैं स्पून, वो पूरी तरह भर के नहीं लेकिन दो स्पून के करीब इसमें डाल दिया। अभी दो स्पून से अगर आपको लगे कि नहीं फट रहा, मतलब जितना भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर लगे कि नहीं फट रहा, थोड़ा सा आप इसमें विनेगर और ऐड कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, जो गैस है उसको जला के बिल्कुल सिम पे कर सकते हैं, तो भी आसानी से दूध ये फट जाएगा। अब इसको हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जितना चलाएंगे उतना जूसी पनीर हमारा बनेगा। इस तरीके का जो ये ग्रीन कलर का पानी है ये बिल्कुल अलग हो जाए और जो दूध फटा हुआ है वो बिल्कुल अलग दिखने लगे, तब तक हमें इसको चलाते जाना है और उसके बाद गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद भी देखिए, इस तरीके से चलाने से बिल्कुल ग्रीन पानी अलग हो गया। अब इसको अलग उठा के रख देंगे। अब हमें इसे छानना है। इस तरीके की बड़ी छन्नी एक ले लेती हूँ मैं और इसमें ये आराम से छन जाता है। अगर नींबू इसमें डाला जाए तो ये पानी ईडेबल होता है, लेकिन सिरके वाला पानी जो है वो मैं किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती, तो इसको तो मैं फेंक ही दूंगी। अब ये वाला जो पनीर है ये छन जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा विनेगर का एसेंस आ जाता है। इसको टैप वाटर के नीचे बढ़िया से धोएंगे हाथ या चमचे से इसको मिक्स करते हुए, ताकि अच्छे से जो इसका विनेगर वाला हिस्सा है वो मतलब अच्छे से वॉश हो जाए पनीर जो है, वो विनेगर की महक या उसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए हमारे पनीर में। तो इसको खूब बढ़िया से धो लेंगे और अगर थोड़ी बहुत कोई डली सी बन गई है इस दूध की तो वो भी इस प्रोसेस में टूट जाती है और छोटे छोटे पीसीज में हमारा पनीर जो है वो बिल्कुल हो जाता है। अब इसको देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है पनीर को, बिल्कुल क्लीन ये हो गया है। इसमें ना तो सिरके की महक है और ना ही कोई स्वाद आएगा। अब इस छन्नी को जो है मैं भगोने पे इस तरीके से रख दूंगी, थोड़ा पानी इसमें निचुड़ेगा और बाकी सूती कपड़े के ऊपर इस तरीके से छन्नी को पलट दिया तो ये पनीर जो है एक राउंड शेप में ही आ गया। अब इसको हमें कपड़े में जितना निचुड़ सकेगा एक ठीक सी शेप देते हुए कपड़े में पहले हाथ से निचोड़ेंगे जितना भी पॉसिबल हो सके, और उसके बाद इसकी शेप को ठीक करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमारा पनीर है वो राउंड शेप में सही से बन जाए। और बनने के बाद इसको रख देंगे एक छोटी सी प्लेट पर। प्लेट लेने के बाद इस पर रख देंगे ताकि इसमें से जो पानी निकलेगा वो इसमें प्लेट में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बहने ही वाला हो, इसमें बस बाहर निकल जाएगा, सेट होना चाहिए। और इसके ऊपर वजन के लिए मैंने रख दी है चौकी। अब इतना करने के बाद मैं नहा के तैयार हुई हूँ और तैयार होने के बाद मुझे आज जाना था मंदिर, तो मैंने पहनी है साड़ी। और ये ब्लाउज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अपनी बेटी के जयपुरी लहंगे में से बनाया है और इसका प्रोसेस आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। ये इस साड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट गया। और इसके बाद ये अभी बाहर नहीं जा रहे मेरे हस्बैंड, तो मैं पुनीत भैया के साथ मंदिर आई थी और पुनीत भैया की जो वाइफ है मेरी देवरानी वो नहीं आई थी, उनके घर से वो आए थे और हमारे यहाँ से मैं गई थी। तो ये आषाढ़ मास में हमारे यहाँ पर इस वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वही हम लोग चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए थे। और मंदिर की मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं की, मैं थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल नहीं होती हूँ हर जगह फ़ोन लेके किसी को भी कैमरे में ले लूँ, तो थोड़ा सा मैं बचती हूँ इस चीज़ से, तो जितना हो सका मैंने इसको शूट कर लिया। अब घर आते आते लगभग एक घंटा हमें लग गया था। उसके बाद देखिए, पनीर ने ये पानी छोड़ दिया है और इस प्लेट में से अब पनीर को निकाल लिया मैंने, पानी जो है वो गिरा दिया है सिंक में। और कपड़े को खोल कर देखिए, ये पनीर हमारा इस तरीके का एक घंटे में लगभग हो जाता है। अब इसको लेके जब भी आपको बनाना हो, 24 आवर्स तक तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है,
बाकी इसको ढक्कन वाले किसी डिब्बे में रख देंगे फ्रिज में। और इसकी मैं सब्जी दोपहर में लंच में बनाऊंगी, तो अब उसके साथ आपको मिलती हूँ। फिलहाल मैं जो हूँ अभी बिना नाश्ता किए कुछ गई थी वहाँ पर मंदिर, बासे मुँह ही पूजा करनी थी, तो वहाँ पर मैं बिना चाय वगैरह पिए गई थी, तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय बनाऊंगी। बच्चे गए हुए हैं बेगम बाग, तो मैं और हस्बैंड ही थे घर पे, तो पराठे मैं सेक के रख गई थी, और अब मैं नाश्ता करने के बाद लंच में जो है पनीर बनाऊंगी। ये पनीर देखिए इस तरीके का रेडी हो गया, इसमें से एक स्लाइस जो है मेरे हस्बैंड ने खा ली, वैसे ही कच्ची हम लोग खा लेते हैं, काफ़ी अच्छा ये टेस्टी मतलब पनीर बनता है, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा बनता है फ्रेंड्स। ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जब से घर में ये पनीर मैंने बनाना स्टार्ट किया है ना, बाज़ार का पनीर बड़ी मजबूरी होती है, दूध नहीं है या कुछ है तब आता है, नहीं तो वो अच्छा ही नहीं लगता। घर का पनीर इतना बढ़िया बनता है और इतना जूसी, देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसके क्यूब्स कट जाती हैं और बिल्कुल स्वादिष्ट ये बनता है, बाज़ार वाले पनीर से भी बढ़िया, चाहे नींबू के रस से बनाएं और चाहे सिरके से बनाएं। अब मैं बना रही हूँ सिंपल सी पनीर की सब्जी, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बच्चे हैं नहीं, हालांकि शाम को आ जाएंगे तो थोड़ी सी सब्जी मैं उनके हिसाब से भी बनाऊंगी। बाकी इसमें जो है सब्जी में कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, यूजुअली मुझे जो पनीर की सब्जी पसंद है वो थोड़े से मतलब प्याज टमाटर मोटे मोटे से उसमें रहते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल स्मूथ जब इसकी ग्रेवी बनती है रसा, तो वो ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इसको प्याज टमाटर लहसुन अदरक इन चारों चीज़ों को इसमें मिक्सी के जार में पीस रही हूँ ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाएं। चॉपर में थोड़े से दरदरे से रहते हैं, यूजुअली मैं उसी से पनीर बनाती हूँ। अब ये सारा जो पिस के रेडी हो गया है इसमें मसाले ऐड कर लूँगी, हल्दी, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इसके बाद डलेगा नमक, यही पांच मसाले मेरी सारी सब्जियों में डलते हैं, और छौंकने का सामान थोड़ा सा अलग हो जाता है, उससे अलग अलग फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने रख ली कढ़ाई और एक चुटकी इसमें जीरा डाल दिया है पहले, और अब ये ऐड कर दूंगी जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक और मसालों का ये पेस्ट बनाया था। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है, ये भुनता रहेगा धीरे धीरे, इतने अगर मुझे किचन में कुछ काम है तो वो मैं करती रहूँगी। थोड़ा सा इसमें जार को धो के पानी डाल दिया है और अब इसको भुनने देंगे, बीच बीच में चलाती रहूँगी जब तक मसाला जो है वो अच्छे से तेल ना छोड़ दे। मसाला ऑलमोस्ट भुनने को है, इतने मैंने जो है थोड़े से बर्तन थे वो लगा दिए टोकरे में, और बाकी टोकरा खाली करके रख लिया है, और दो तीन सामान मैंने मंगाए थे, नमक, किचन किंग वगैरह, तो वो मैं हाथ के हाथ जो है यहाँ पर रीफिल कर रही हूँ, ताकि इतने मसाला भुने इतने बाकी काम भी निपटते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो सब्जी बन जाएगी, रोटी बन जाएगी, उसके बाद मुझे वीडियो भी शूट करनी है, तो इसके लिए किचन का मैं ऑलमोस्ट काम जितना ख़त्म कर सकती हूँ उतना करके जाने की कोशिश में हूँ। अब यहाँ पर मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, एक आधे मिनट इसमें लगेगा, तो मैं बचे हुए पनीर की जो है वो क्यूब्स काट रही हूँ, और थोड़ा सा पनीर जो है वो रख दूँगी अगर बचेगा तो, मतलब ऐसे ही प्लेन खा लेते हैं कई बार, तवे पे फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं, और आजकल हस्बैंड की जो हाई प्रोटीन डाइट चल रही है इसलिए रेगुलर बेसिस पे पनीर बन ही रहा है, चाहे सब्जी बनानी हो या ना बनानी हो, तो वो सुबह शाम अपना पनीर जो है वो वैसे ही खा रहे हैं रूखा। अब मसाला भुन गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि रसा बन जाए सब्जी का, और आप चाहें तो इसमें पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ बिना फ्राई किया ही पसंद करते हैं सभी लोग, क्योंकि सॉफ्ट बना रहता है, तो इसलिए जो है बस ये पानी मिला के और इसको पानी को थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि पानी पक जाए, और उसके बाद पनीर इसमें छोड़ देंगे। पनीर छोड़ने के बाद मुश्किल से इसमें एक मिनट लगेगा, थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीनी, ये इससे फ्लेवर अलग सा आ जाता है इस सब्जी का, और बाद में डालेंगे कसूरी मेथी। इतना डालने के बाद हमारी सब्जी रेडी है। अब मैं सेकूंगी रोटी और मेरा लंच का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं चली जाऊंगी बेडरूम में और एसी में जाके थोड़ी सी सुकून की सांस लूंगी। फिलहाल अभी साड़ी पहनी हुई है तो क्वेश्चन आंसर वीडियो संडे में मैं शूट करती हूँ वो करना है, उससे पहले जो है मैं अपने बालों में जो पसीना आ गया है इसको थोड़ा सा सुखा रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद मैं जाऊँगी आपके साथ थोड़ी सी बातें करने क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो के लिए जो आपने देख भी लिया है इस मंडे।
और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।